बॉम्बे में पहुंची मैं अकेली, ढाबे पे काम किया, डांसपा पे काम हुआ, काम किया, यौन शोषण हुआ मेरा, तो उसके बावजूद मैं NIFT NIIF दिल्ली में एडमिशन ली, मैंने फैशन डिज़ाइनर बनी। फैशन डिज़ाइनर बन के मैंने बड़े डिज़ाइनर ऋतु कुमार, ऋतु बेरी के साथ काम किया। हमें जो है टीज किया जाता है, हमें थप्पड़ मार दिया जाता है, आम पुलिस सुनने को रेडी नहीं है, तो हम लोग जो कहाँ जाएं। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल है 2020 का, जहाँ पर अगर किसी ट्रांसजेंडर साथ भेदभाव होता है उसको 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है, और उसमें जो है कम से कम 2 लाख रुपए का आपको फाइन लग सकता है। नहीं, वो इंसान हमें समझती ही नहीं है, इंसान ही नहीं समझती, हमें इंसान ही नहीं समझती है। यहाँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है बजाय के किन्नर की। पहली अंतरराष्ट्रीय ट्रांस ब्यूटी क्वीन हूँ, तो मेरी तुलना डेफिनेट सुषमा सेन के साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं कि ऑर्डर लेने पड़ते थे औरतों के, अब तो हमें हीरो के साथ काम करना पड़ेगा, हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमें हीरो के साथ काम करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम होती है जब मैं दुबई जाती हूँ, सब एयरपोर्ट पे होती है, उसके बाद इतना सम्मान मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, मैं वहाँ पे उनके ब्रांड्स के लिए शूट करती हूँ, उनके कार्स के लिए शूट करती हूँ। किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए होती है तो ट्रांसजेंडर का चेहरा खड़ा कर देते हैं, चाहे वो आप हो या BJP हो। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगी कि मुझे अगला जन्म भी ट्रांसजेंडर का ही मिले, और मुझे यही दिमाग और यही जो है शक्ति है, अंदर शक्ति वही मिले। नमस्कार, मैं हूँ तस्कीन। आपने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और ग्लैमर की चकाचौंध बहुत देखी होगी और सुनी होगी, और काफ़ी सारे आज के युवा जो है इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और इसका खूब फ़ायदा सोशल मीडिया ने उठाया, और लोग लगातार जो है स्टेटस, रील, इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें लगाते रहते हैं। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो भारत की पहली ट्रांसजेंडर मिस यूनिवर्स है। इनका नाम जो है वो नाज़िया जोशी है, जो अपने आप में ही अद्भुत लगता है, एक हिंदू नाम, एक मुसलमान नाम, ये क्यों है, क्या है इनके पीछे, तमाम चीज़ों से रूबरू होंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका पूरा नाम क्या है और इसके पीछे क्या है? मेरा नाम है नाज जोशी। जब मैं लड़का से लड़की बन रही थी, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं किन्नर थी और मैं लड़की बनना चाहती थी, तो तब मुझे नाम चेंज करना पड़ा अपना। तो पहले मेरा नाम एजिया था, तो एजिया से मुझे नाज बनना पड़ा। आज का कि मैं खुद पे नाज करती हूँ, मैंने जो आज अपने लिए नहीं अपने देश के लिए किया है बिना किसी सहारे के, तो मुझे उस पर बहुत नाज है, और मैं बचपन से ही नाज। थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आपने कहा कि बिना किसी सहारे से यहाँ तक पहुँची हूँ, ये बड़ा सफर है और हमारे लिए फख्र की बात है कि आप हमारे बीच मौजूद हैं और आपने देश का जो है वो नाम किया है, क्या रहा बैकग्राउंड? जी देखिए, मैं जो है एक मुसलमान माँ और हिंदू बाप के साथ मैं पैदा हुई थी, घर में पैदा हुई थी। मेरी माँ की मृत्यु जब वो मैं पैदा हुई तभी हो गई थी। बचपन से मैं बहुत फेमिनिन थी, गुड़िया के साथ खेलना सब कुछ वो सब होता था मेरे साथ में, तो मेरे पिता ने मुझे बहुत दूर कर दिया अपने से। बॉम्बे में पहुंची मैं अकेली, ढाबे पे काम किया, डांसपा पे काम किया, यौन शोषण हुआ मेरा, उसके बावजूद मैं NIFT NIIF दिल्ली में एडमिशन ली, मैंने फैशन डिज़ाइनर बनी। फैशन डिज़ाइनर बन के मैंने बड़े डिज़ाइनर ऋतु कुमार, ऋतु बेरी के साथ काम किया वहाँ पे, लेकिन ये एक संदेश मतलब आता था। ढाबे पे आपने काम किया, ढाबे से मिस यूनिवर्स तक की जो सफर, आपने NIFT में जो है वो दाखिला लिया। जहाँ पहुँचने का जो है लोगों का एक सपना होता है, और IIMT गाजियाबाद में भी, IIMT गाजियाबाद की अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे वहाँ पे नोटेबल जो पर्सनालिटीज हैं, उनके एलुमनाइज हैं, उसमें मेरा नाम आप पाएंगे जरूर। जी, आप बतौर ट्रांसजेंडर हैं, समाज में लोग अलग नजरिए से इसको देखते हैं, ठीक है, लोग जो है मर्द और महिला जो है इसी को एक मानते हैं और ट्रांसजेंडर को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। आप खुद एक महिला है, आप इसको क्या क्या महसूस करती है, समाज का क्या नज़रिया देखती हैं और इसको क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, समाज में बहुत ही असमानता है हमें लेकर। अगर मैं बात करूँ, मैं मॉडल हूँ, हमारे लिए जो है एक जिम के अंदर मैं एंट्री भी नहीं ले सकती हूँ, मैं तो चाहे मैं कितना पैसा दे दूँ उनको, एक अपने लिए किराए का घर भी नहीं ले सकती हूँ। वो लोग सोचते हैं शायद किराए का घर इसके ले रही है कि ये को देह व्यापार करना होगा। मैं जिम में से नहीं जा पाती, लोगों को कहते हैं कि अगर आप रहेंगी तो दूसरे लोग हमारे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और हमें तो वो सब की चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। कई बड़े बड़े बार हैं हमारी दिल्ली में, मतलब ये संविधान जो हमें राइट ऑफ इक्वलिटी के अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, उसमें आप लोग फिट नहीं हो पाती हैं, और जब हम अभी भी बहिष्कृत करता है। देखिए,
जब हम ये मुझे बताया, मैं एजुकेटेड हूँ, ठीक है जी, मैं जब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात लेके पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखती है इस बारे में, ना कोई एक्शन लेती है, उन्हें लगता है कि शायद इसी ने कुछ किया होगा, तो ये जनरलाइज कर देते हैं वो लोग कि भी हाँ ये अगर इसने है तो इसने ताली बजाई होगी या इसने कुछ गंदा काम किया होगा, लेकिन वो हमारी पुलिस जो है वो सुनने को पुकार नहीं, हमारा मर्डर तक हो जाता है, हमें जो है टीज किया जाता है, हमें थप्पड़ मार दिया जाता है, आम पुलिस सुनने को रेडी नहीं है, तो हम लोग जो कहाँ जाएँ। एक तो हमारा मौलिक अधिकार जो है, जैसे हमने बताया कि इंसान होने का जो राइट है हमारा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है एक हमारे देश में एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके बाद हमारा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल है 2020 का, जहाँ पर अगर किसी ट्रांसजेंडर साथ भेदभाव होता है उसको 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और उसमें जो है कम से कम 2 लाख रुपये का आपको फाइन लग सकता है। लेकिन ये पॉलिसी बनाने के बाद भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को बात मालूम ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स की रक्षा भी करनी होती है, वो भी एक इंसान है, हमें एक इंसान ही नहीं समझा जाता। मतलब कानून है लेकिन इस कानून के बारे में पुलिस जो है खुद अवेयर नहीं है, या वो करना नहीं चाहती? नहीं, वो इंसान हमें समझती नहीं है, मतलब आपको इंसान ही नहीं समझती? हमें इंसान ही नहीं समझती है, यहाँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है बजाय के किन्नर की। काफी दुखद स्टेटमेंट है, और हम तो सिर्फ सुन के जो है दुख महसूस कर रहे हैं, और ये लोग वो ज़िंदगी जी रहे हैं। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ट्रांसजेंडर जो है उनको अक्सर सड़कों पे जो है ताली बजा करके, नाच गाने करके जो है वो देखा जाता है, और अमूमन समाज में लोगों का यही नज़रिया, जबकि मैं आपके बारे में जब जाना तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतने संघर्ष के बाद पढ़ाई की, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, ये सफ़र आपने तय किया, तो आप मतलब जो समाज का ये नज़रिया है उसको कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं भाई, हम सिर्फ ताली बजाना नहीं जानते, हम सिर्फ थाली बजाना नहीं जानते, हम सिर्फ भीख मांगना नहीं जानते, हम इस मुकाम तक भी पहुंच सकते हैं? जी, समाज जो है वो वही देखता है जो दिखाया जाता है। अब जैसे कि मैं बताऊं कि आपको कि हमारे, जैसे मेरे बारे में, अगर मैं भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रांस ब्यूटी क्वीन हूँ तो मेरी तुलना डेफिनेटली सुषमा सेन के साथ होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज आज भी ये सोचता है कि इनको शायद वही करने दो, अपना आदा नहीं है। अब जैसे कई सरकारी पॉलिसीज आई हैं, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में जॉब निकली थी ट्रांसजेंडर्स के लिए, और मेरी बहुत सारी ट्रांस बहनों ने वहाँ जॉब भी करी, लेकिन उन्हें क्या सुनना पड़ता था? पहले हमें जो है खाली क्या बोलते हैं ऑर्डर लेने पड़ते थे औरतों के, अब तो हमें हिजड़ों के साथ काम करना पड़ेगा, हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमें हिजड़ों के साथ काम करना पड़ रहा है, तो वर्क एटमोसफेयर ही नहीं है, तो वो बेचारे समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नहीं, वो बराबरी का दर्जा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मुझे 7 साल हो गए हैं ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीते हुए, ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरी जो आवाज़ है वो जनता तक पहुँच सके। मैं अपने समाज को हक दिलाना चाहती हूँ कि जो समाज का इक्वल हक हो। भाई कई पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको बताना, आप शौक हो जाएंगे कि कई लोग BSc किए हुए हैं, बायोलॉजी के अंदर स्पेशलिस्ट किए हुए हैं, बी फार्मा किए हुए हैं, एम फार्मा किए हुए हैं, MBA करके भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से वो लोग भी टोली भलाई का काम कर रहे हैं आज, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, यहाँ 2000-4000 रुपये दिन का कमा सकते हैं। एक ट्रांसजेंडर जो है वो कितना भी एजुकेशन हायर कर ले, कितने भी पढ़ लिख ले, लेकिन समाज के मुख्य धारा में जो है जोड़ने के लिए उसके पास मतलब समाज ही रेडी नहीं है। देखिए समाज ही रेडी नहीं है, ऐसे में बताऊं तो ये समाज की आप बात कर रहे हैं, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं भी इसी धरती की पैदाइश हूं। जी 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 जी, आप मिस यूनिवर्स हैं जी, ठीक है, दुनिया में डंका आपने भारत का बजाया, आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे गई, क्या महसूस किया कि जो भेदभाव है ट्रांसजेंडर के साथ वो सिर्फ हिंदुस्तान में है या वर्ल्ड लेवल पे भी? नहीं, सी देखिए वर्ल्ड लेवल पे अगर यूरोप में जाएंगे वहाँ तो ट्रांसफोबिया इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता है, मतलब खून कत्ल कर दिया जाता है सरेआम ट्रांसजेंडर्स का। तो हर एक जगह पे अलग अलग जो है उनके विचारधारा है। अगर आप जाएँ किसी जैसे अमेरिका जाएँ या कहीं जाएँ, वहाँ पे फिर भी ट्रांसजेंडर्स की जो है एक मान्यता है। मैं दुबई जाती हूँ तो हिंदुस्तान के मुकाबले ज़्यादा इज्जत है, ज़्यादा इज्जत है। मैं जब सिर्फ मुझे जो फेस प्रॉब्लम होती है जब मैं दुबई जाती हूँ, सिर्फ एयरपोर्ट पर होती है, उसके बाद इतना सम्मान मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है। मैं वहाँ पे उनके ब्रांड्स के लिए शूट करती हूँ, उनके कार्स के लिए शूट करती हूँ, शेक्स को कोई जैसे कोई उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। चलो आप मॉडल हैं, आप मॉडल। इंडिया में क्या हो गया है, हमारे प्रोफेशन को इतना गंदा कर दिया है इन लड़कियों ने कि ये फ्री में काम कर रही हैं आज के डेट में। भाई आप कुछ काम करिए, आप पैसा चार्ज करिए। और ये हमारी देखिए, आज अगर बात करें हम अपने बॉलीवुड की, बॉलीवुड में अच्छे अच्छे सारे किरदार जो हैं वो लड़कियाँ खा जा रही हैं। चाहे आप बात करें कुबरा सेठ की जो इसमें ट्रांसजेंडर बनी थी सीक्रेट गेम्स के अंदर में, चाहे आप बात करें वाणी कपूर की जो चंडीगढ़ करियाशी में ट्रांसजेंडर बनी है, ठीक है जी।
तो आप इन लोगों की बात करें या फिर डार्लिंग भी थी, बॉबी डार्लिंग को तो कोई ऐसे रोल मिले ही नहीं, उनको ऐसे रोल मिले ही नहीं। अगर आप बात करें गंगूबाई काठियावाला की, उसमें रजिया का किरदार था, वो एक लड़के को दे दिया गया। अरे आप हमें देखिए, हम भी उतनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, मैंने 2 म्यूजिक वीडियो किए हुए हैं, मैं भी अभिनेत्री हूँ, हमें चांस दीजिए, हम अच्छा करके दिखाएंगे आपको। अगर हम अच्छा करके ना दिखाएं तो आप किसी को रोल दीजिए, बट आप तैयार ही नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नहीं देखिए, मैं बता दूं बॉलीवुड की बात बता रही हूँ, बॉलीवुड जो है पुकारता है जब हॉलीवुड में इंडियन रोल जो दिए जाते हैं फॉरनर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, वो गुहार लेता है हम इंडियंस हमें क्यों रोल मिल रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं को बातें बोलती हूँ बॉलीवुड को, कि जब हम लोग बैठी हैं ट्रांसजेंडर एक्ट्रेसेस आज खड़ी हुई हैं, तो हमें वो रोल क्यों नहीं देते, हमें 1 मिनट का रोल दे देते हैं या 2 मिनट का रोल दे देते हैं। मुझे आया ऑफर बॉम्बे बिगम्स का, जिसमें पूजा भट्ट ने रोल किया, सब उसमें 2 मिनट का रोल था। मैं नहीं करूँगी ऐसा रोल, मुझे मीठी रोल करना है, मुझे अच्छा रोल करना है, जहाँ पे मैं अपनी समाज को अच्छे से प्रतिनिधित्व कर सकूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। कार्य एक फेमस चेहरा है, लेकिन काफी ऐसे काफी क्या मतलब कुछ ही लोग जो है ट्रांसजेंडर में जिनका नाम हुआ है, जिनका मुकाम स्थान हुआ है, बाकी लोग गुमनामी की जिंदगी में है। ऐसे लोग के लिए आप क्या सोचती हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए कि वो समाज में जो है उनका स्थान हो और वो सिर्फ ताली बजाने तक ना रहे, ट्रैफिक सिग्नल तक ना रहे। मैं कहती हूँ कि बदलाव जो है पूरे समाज में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे हैं, ठीक है, आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, एक किन्नर खटखटाती है, आप उसको दया से शायद 10 रुपया 20 रुपया 50 100 भी दे सकते हैं। क्या आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि काश मैं इसको बोलूं तो आ जा मेरे घर में बर्तन मांझ ले, ठीक है, तो आ जा मेरे घर में सफाई कर ले, तो आ जा मेरे घर में बच्चों को देख ले, तू सिक्योरिटी गार्ड बन जा। इतनी सारी जॉब है जो कर सकते हैं किन्नर लोग। समाज के कई सारे लोग आरोप है कि ये काम ही नहीं करना चाहते, इनको करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, नहीं, जो आरोप है वो गलत है। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या आप अपना एक कार्य करें, अपना कर्म करें, बाकी सपने ऊपर की बात है। एक ऐसा समाज बनेगा, कहीं से कहीं शुरुआत तो होनी चाहिए। मैंने किसी भी घर में आज तक दिल्ली के अंदर तो नहीं देखा कि किन्नर जो है वो काम कर रही है, जबकि किन्नर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छी सफाई करते हैं, बहुत अच्छा बच्चे को देख रेख करते हैं, हमने कहीं देखा ही नहीं। स्कूल के अंदर में अम्मा लोग जो होती हैं वहाँ भी नहीं देखा हमने किन्नर को काम करने के लिए। तो ऐसे आप हमें काम दीजिए, कार्य दीजिए, और देखिए हम कितना, जहाँ पे मतलब आपको समाज में अगर आपको इज्जत दिया जाए, आपको वो मतलब चांस दिया जाए, तो आप बाकी के मुकाबले अच्छा कर सकती हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको आपके माध्यम से, कि किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए होती है तो ट्रांसजेंडर का चेहरा खड़ा कर देते हैं, चाहे वो आप हो या बीजेपी हो, या हमें बात करते हैं, चलो कंपनी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी शुगर है, ठीक है, कंपनी या फिर कोई भी कंपनी है, वो लोग खड़ा कर देंगे ट्रांसजेंडर का चेहरा, कि हमने ट्रांसजेंडर को जॉब दी। वो जॉब 2 दिन करेगा, तीसरे दिन उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको कोई कॉपरेट करने वाला है नहीं। तो मैं यही बोलूंगी समाज को कि भाई आप जो है हमें पब्लिसिटी स्टंट ना यूज करें, हमें सिर्फ इसलिए ना बुलाएं अपने प्रोग्रामों के अंदर में कि हाँ हम ट्रांस हैं तो उनको लाइमलाइट मिलेगी, नहीं लें और या एग्जैक्टली सिंपैथी ना। सवाल ये पूछना चाहूंगा कि नाज जी, आप पाकिस्तान में काफी पॉपुलर है, क्या कैसा लगता है, किस हिसाब से पॉपुलर है, जरा देश को बताएंगे कि यार हम सिर्फ यही नहीं। मैं सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मैं नाइजीरिया में अभी एक पोल हुआ था जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे सुंदर ट्रांसजेंडर्स को रैंक किया गया था, मैं नाइजीरिया में नंबर 5 पे थी वहाँ पर। और पाकिस्तान में बीबीसी के माध्यम से हमारा जो है एक सामना हुआ था वहाँ की अलीना खान से, जो एक्ट्रेस हैं, बल्कि पाकिस्तान की बात करूँ मैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्नति है ट्रांसजेंडर्स की। वो आपको मॉर्निंग शो में दिख जाएंगी, आपको उनके ड्रामा में दिख जाएंगी मेन किरदार निभाते हुए, वो आपको फिल्म में दिख जाएंगी आइटम नंबर करते हुए, बहुत उनकी, बल्कि जो मेन एक्ट्रेसेस हैं उनकी फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है, वहाँ की ट्रांसजेंडर्स कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर इवनिंग गाउन अपना फहरा के आई हुई हैं। तो हमारे देश के मुकाबले तो उनकी देश में ट्रांसजेंडर्स की तुलना बहुत अच्छी है, उन्हें तो ख्वाजा सरा के नाम से पुकारा जाता है, उनकी तो इज्जत बहुत है। और मैं तो ये देखिए दंग रहती हूँ कि हिंदुस्तान में हमारा इतना पतन होता है, हमें जितना पीछे किया जाता है, वहीं पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमें दिया जाता है। सोचिए मैं भारत की एक ट्रांसजेंडर हूँ, हमारा सिर्फ एक जूम मीटिंग पर इंटरेक्शन हुआ था, उन्होंने इतना लिखा मेरे बारे में, चाहे वो टाइम्स ऑफ पाकिस्तान हो, ट्रिब्यून एक्सप्रेस हो, वहाँ का इतना लिखा, मैं बहुत गदगद हो गई, बहुत मैं अच्छी हो गई। वहाँ के ड्रामा से मुझे जो है ऑफर्स आते हैं, बट क्योंकि हमें सरकारों ने बैन लगा रखा है, आर्टिस्ट के ऊपर बैन लगा रखा है, मैं जा नहीं पाती हूँ उनके काम के लिए, बट मैं डेफिनेटली बताती हूँ कि वहाँ पे उन्नति बहुत ज़्यादा है। आपकी बातों से जाहिर होता है कि पड़ोस में हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ इज्जत मिलती है जी, अलग प्लेटफॉर्म पे जो इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। हमारे
क्यों है, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है हमारी मानसिकता? इसकी वजह देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि खाली गलती समाज की है, गलती किन्नर समाज की भी है। इसमें किन्नर समाज भी बात बात पे नग्न हो जाते हैं, किन्नर समाज भी नाजायज हक रखते हैं कि ऐसे घर भी जाते हैं जहाँ पे वो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं। मान लो 21 की डिमांड करते हैं या 51,000 की डिमांड करते हैं, लोग नहीं दे पाते हैं इतना ज्यादा, वहाँ लड़ते हैं, वहाँ मरते हैं जाकर। तो वो समाज में ये तो मैसेज जाएगा कि ये लोग बदतमीज होते हैं, इनके मुंह ना लगो, ये सब कुछ ना करो। तो कहीं ना कहीं गलती तो किन्नर समाज की भी है इस चीज में, और किन्नर समाज की गुरुओं की है, जो गुरु नहीं चाहते हैं कि इनके बच्चे जो आगे जाके अपना काम करें अपना। मैंने एक फिल्म में काम किया एकाशा नाम की, उसमें मैंने एक ऐसा किरदार निभाया है जो कि एक लड़की होती है ट्रांसजेंडर, जो आगे उसका क्या होता है टीचर बनना चाहती है, और उसकी गुरु मना कर देती है उसको। तो वो ऑस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टिवल में इतना ज्यादा प्यार मिला उसको। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये सच बात है, मतलब आज BSc बीएड करने में बताया आपको मैंने कि जो किन्नर समाज में बैठी हैं वो लोग नहीं, वो अगर निकलना भी चाहे नहीं निकल सकती हैं। एक सवाल पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा दार्शनिक टाइप का है कि लोग जब मर्द पैदा होते हैं, कई सारे लोग तो वो अफसोस करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें मर्द क्यों बनाया, औरत बहुत अच्छी होती है, औरत सोचते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे औरत क्यों बनाया, मर्द बहुत शान से जीता है, समाज में दबाया जाता है। और एक ट्रांसजेंडर है जो दोनों में से नहीं है, ट्रांसजेंडर का क्या दर्द होता है? ट्रांसजेंडर बतौर आप पैदा होते हैं तो क्या ऊपर वाले से शिकायत होती है? देखिए, इसको देखने का दो नज़रिया है। सक्सेसफुल इंसान कभी भी गिलास को आधा खाली नहीं देखेगा, वो आधा पूरा भरा हुआ आधा भरा हुआ देखेगा। मैं उनमें से हूँ जो गिलास को हमेशा आधा भरा हुआ देखती हूँ। मैंने कभी भी जो है भगवान से शिकायत नहीं करी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मैं सोचती हूँ अगर मैं ट्रांसजेंडर नहीं होती तो शायद मुझे इतना मुकाम हासिल नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगी कि मुझे अगला जन्म भी ट्रांसजेंडर का ही मिले, और मुझे यही दिमाग और यही जो है शक्ति है अंदर शक्ति वही मिले, और मैं बहुत खुश हूँ ट्रांसजेंडर पैदा होकर। सुना आपने किस तरीके से जो है इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी कि ट्रांसजेंडर होना जो है कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये फक्र महसूस करती है। और है समाज का वो देश का कि ट्रांसजेंडर की हालत हमारे देश में भले ही मट्टी पलीद है लोगों की, लेकिन दुनिया में ऐसी हालत नहीं है। बगल में हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, वहाँ इज्जत मिलती है, दुनिया में फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, तमाम जगहों पर उनकी इज्जत मिलती है और वो बहुत काम करते हैं बेहतर। आप क्या सोचते हैं समाज के बारे में, क्या इनका स्थान वही होना चाहिए जो सड़कों पर सिर्फ ताली बजाती रहें, या इनको वो मुकाम मिलना चाहिए समाज की मुख्य धारा में जुड़ के रहना चाहिए और कंधे से कंधा मिला करके समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए काम करना चाहिए? फिजाद के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जैसे मैंने बताया दुनिया के बारे में, शायद मेरे दर्शकों को पता नहीं होगा कि एक कंट्री ऐसी है, उसका नाम मैं नहीं लूँगी, वहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ट्रांसजेंडर है। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।